हरिंद्र साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ लुभावने क्षणों का हम साक्षात्कार करते हैं। तखत सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब इस सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर देखिए कि शाम के रौनक किस तरह की होती है। अद्भुत दिव्य नज़ारा, और इस दिव्य नज़ारे का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यहाँ पहुँच रही है। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में स्थित गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब यह स्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम स्थान है। इस स्थान पर शाम की रौनक कुछ अजीब होती है। सिया शाम में गुरुद्वारे की चमक दमकने लगती है और आसपास का परिसर एक अद्भुत दिव्य शांति प्रदान करता है। श्री हजूर साहिब नगरी ये आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यहाँ सन 1708 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुत्वागद्दी देकर उन्हें अटल गुरु के रूप में यहाँ पर स्थापित किया था। यह पावन नगरी मन्नतें और मुरादें पूरी करती है। मुरादें पूरी होने में जब देर नहीं लगती है तब नादेर साहब कहा जाता है। नादेर से नांदेड़ शब्द बना है जो अपभ्रंश होकर नांदेड़ कहा गया है। यह प्राचीन ऐतिहासिक शहर गोदावरी के नाभि किनारे पर बसा हुआ है। इस स्थान पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐतिहासिक परंपराओं की शुरुआत की। नगीना घाट से लेकर तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब तक तीर चलाकर इस स्थान को उजागर किया और यहाँ पर आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जो आज भी अटल रूप से यहाँ पर धर्म की गाथा गा रहा है। जिन्होंने केवल तस्वीरों में या वीडियो में ही तख्त साहब को देखा है या गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार वो जरूर हजूर साहब पधारे, इस स्थान पर आकर यहाँ के विविध गुरुद्वारों के दर्शन करें, यहाँ की सुखद अनुभूति अपने साथ लेकर जाएं। इस पवित्र स्थान पर आपको वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिला। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पवित्र नगरी हजूर साहिब नांदेड़ में जरूर आइए। ये सुंदर दृश्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर फ़ोन करें। धन्यवाद।